कैप्सुलर पैटर्न, एक कैप्सुलर पैटर्न जो होता है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन होती है पेन की और मूवमेंट की या जॉइंट स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है, जॉइंट की किसी एक ऐसे पॉइंट पे हम रीच कर जाते हैं जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक लिमिटेशन मिली होती है पेन के साथ साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मूवमेंट करा रही हूँ, मुझे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिलेगी ड्यू टू कैप्सुलर पैटर्न। क्यों? क्योंकि किसी स्पेसिफिक एरिया पे मिलेगी। ठीक है, हर जॉइंट के स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक रेशियो के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अर्थराइटिस हो गया या प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, या अर्थराइटिस की वजह से हो गया या बहुत अरसे के लिए, जैसे कोई पेशेंट को कास्ट वगैरह अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो उस केस में भी आप कह सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, कैप्सुलर पैटर्न डेवलप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि जॉइंट कैप्सूल का जो पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ शोल्डर पे अगर हम देख लेते, ठीक है, उन्होंने कहा कि लेटरल रोटेशन सबसे ज्यादा लॉस होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एबडक्शन जाती है, फिर हमारे पास मीडियल रोटेशन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बहुत इजी वर्डिंग में अगर बताऊँ तो जाऊँ तो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में बेसिकली हमारे पास ये हो रहा होता है कि जो एक्सटर्नल रोटेशन है ना वो बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है कि एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा अफेक्टेड हो रही होती है। ठीक है, फिर जाके कहीं इंटरनल रोटेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हुआ हुआ है, तो जो उसका कैप्सुलर पैटर्न होगा वो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्ट होगी मूवमेंट वो लेटरल रोटेशन होगी, फिर एबडक्शन होगी और फिर मीडियल रोटेशन होगी। ये कैप्सुलर पैटर्न डेवलप कर लेते हैं शोल्डर। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे कैप्सूल की रिस्ट्रिक्शन आ रही है। ठीक है, बेसिकली कैप्सूल एक कवरिंग है ना हमारे पास, तो जब उस कवरिंग की रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो हमारे पास मूवमेंट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट होंगी। अब हमने यहाँ पे जो हमारा काम है वो ये है कि उसको पहले जो उसकी मोबिलिटी पे काम करना है। ठीक है, कैप्सूल की मोबिलिटी पे काम करने के लिए मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने वो यूज़ की तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने उसको ईजिली परफॉर्म करा दी मूवमेंट, या जिस तरह से भी हमारे पास थी।